वोक अप टू दिस अमेजिंग व्यू एंड दिस ऑल्सो. सुबह बहुत जल्दी नींद खुल गई बिकॉज रात को इंटेंशनली आई केप द कर्टन्स ओपन एंड इस साइड से भी आप. सो आई शिफ्टेड टू दिस अमेजिंग ट्री हाउस. एज यू कैन सी लास्ट वाली वीडियो में आई वॉज इन सम अदर विला, वो साइड में ही है. एंड इसका एक और ऊपर रूम भी है, वो मैं अभी तुम्हें थोड़ी देर में दिखाती हूँ. Oh shit, I forgot to do the introduction वाला पार्ट, वो मैं बाहर जाके करती हूँ. What's up guys, this is Hinareja and welcome back to my channel. पहले तो ये बताओ, लास्ट वाला व्लॉग देखा नहीं? देखा तो अभी पहले वो जाके देखो, उसके बाद यहाँ पर आना. एंड अगर देख लिया तो कैसा लगा वो? आई शोड यू माई हाउस वेर आई लिव्ड फॉर लाइक 3 days, देन आई शिफ्टेड टू अ ट्री हाउस जिसका टूर मैं तुम्हें इस वाली वीडियो में कराने वाली हूँ. एंड बाय द टाइम दिस वीडियो विल बी अप, आई विल बी शिफ्टेड टू दिस हाउस, अगर तुम्हें सामने दिख रहा है. सो बेसिकली यहाँ पर ना 6 ऐसे स्टैंड अलोन प्रॉपर्टीज़ हैं, तो मैं दो दो तीन तीन दिन हर प्रॉपर्टी में रुक के वहाँ का एक्सपीरियंस ले रही हूँ. तो आई मीन जब ऑप्शन है तो वाई नॉट. सो टेक्निकली ऑल अलोन इन द जंगल. अगर पीछे तुम्हें नज़र आ रहा है तो मेरा टेम्प्रेरी घर, उसके बैक साइड वाला व्यू मैंने तुम्हें शायद विंडो से दिखाया था पहले, तो मैं वो बैक साइड वाले व्यू में हूँ. बट यार डर तो सबको लगता है ना, मैं बहुत बड़ी फट्टू हूँ, तो मैं यहाँ अंदर अंदर नहीं घूमने वाली हूँ. आई विल गो आउट टू द मेन रोड विच इज़ वेरी नियर बाय. व्यू फ्रॉम हियर इज माइंड ब्लोइंग. दीज आर ब्रह्मगिरी हिल्स, मैंने लास्ट व्लॉग में भी आपको बताया था. एंड ये पैडी फील्ड्स हैं. आई फॉरगॉट टू टेक माय कैप, लानी चाहिए थी. I don't think it's a very wise decision to come out for a walk this time. It's very hot. सुबह आना चाहिए था, तो मे बी कल सुबह फिर से ट्राई करेंगे. देर इज अ कुक्कड़, चिट्टा कुक्कड़ बने रे. देर इज अ डी टूर यहाँ मेन रोड से. यहाँ पर एक अंदर रास्ता कट रहा है जो थोड़ा बहुत मेरे को छाया वाला लग रहा है. यहाँ चलते हैं. अब आ ही गए तो थोड़ा सा और देख लेते हैं. The sky is god level. यहाँ लोगों के घर बहुत सुंदर है. एंड सबसे ज़्यादा अच्छा पार्ट लगता है मुझे केरला स्टाइल हाउसेज, जिसमें ये बाहर की साइड ये बैठने का एरिया बनाया होता है. काफ़ी स्लो सा जा रहा है आज का दिन. आई मीन सुबह मैं सिर्फ वॉक पर गई एंड अभी आई एम गोइंग टू हैव लंच. Finally something interesting is happening today, which is I am going to teach them how to cook आलू पराठास. बेचारे सारी ज़िंदगी तो डोसे खा खा के बड़े हुए, इनको पता चलना चाहिए आलू पराठों का क्या स्वाद होता है विद ग्रीन चटनी एंड बटर. देखो वैसे ना तुम लोग भी बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि मैं थोड़ा सा तो डिफरेंट स्टाइल चूज़ करने वाली हूँ आलू पराठा का, लाइक नॉट अ वेरी रेगुलर थिंग. एंड इसमें बस एक छोटी सी ट्रिक है जो फाइनली मैं रिवील कर रही हूँ. प्याज देख सकते हो कितने नाइसली कट किए हुए हैं, मज़ा ही आ रहा है देख के. एंड यहाँ बॉइल्ड आलू रेडी हैं, धनिया रेडी है. धनिया हम लास्ट में डालेंगे. फटाफट मसाला रेडी करते हैं. आटा तुम देख सकते हो कितना अमेजिंगली गूंदा है मैंने. वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक दैट आई वुड लाइक टू शेयर इज कि जब ये मसाला आपका रेडी हो जाए ना, इसमें बहुत थोड़ा सा चाट मसाला और ऐड कर देना, बिकॉज अगेन इट विल ऐड अ लॉट ऑफ फ्लेवर टू योर पराठास. यहाँ पर आंटी बना रहे हैं गुलाब जामुन. तो देखो सीधी सी बात है, इनको हिंदी नहीं आती, मुझे कन्नड़ा नहीं आती, ठीक है, तो हम ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे. बट ये भी यार गॉड लेवल तो लग रहा है. प्लस आंटी इज़ वेरी स्वीट. ऐसे ज़्यादा लोगों को ये भी थोड़ा अजीब सा लगेगा, बट नॉन स्टिक पैन में भी आलू पराठा बना सकते हो. आलू पराठा रेडी हो चुका है, देख सकते हो तुम कितना गॉड लेवल लग रहा है. आर्ट गाइस, आर्ट आर्टिस्ट. व्हाट्सअप गाइस, इट्स डे 4th. आज की एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हो चुकी है एंड आई एम गोइंग टू अ वैली. उसका एग्जैक्ट नाम अभी मैं तुम्हें थोड़ी देर में बताऊंगी. एक जगह है मानंतवाड़ी, यहाँ वायनाड में, उससे थोड़ा सा आगे जाके. एग्जैक्ट
packed 1 hour from Rustic Charm and I landed up at this place. This place is called Iruti Valley. Drive to this place was amazing. Like super smooth and buttery roads and बहुत ही सुंदर सुंदर landscapes and यहाँ तो तुम देख ही सकते हो. वैसे मेरे ना सारे vlogs में ये standard है, तुम्हें sky देखने को मिलेगा बहुत ही अलग level. And एक और चीज़, मैं खुद बहुत अलग level पे sky obsessed बन रहा हूँ. I guess it's time to say bye and go back home. लास्ट वाले व्लॉग्स में मैंने आपको बताया था कि आई वॉन्ट टू ड्राइव दिस वन, बट अभी तक चांस नहीं मिल पाया मुझे. एक्चुअली इसकी कुछ तो पाइप टूटी हुई है. एज प्रोमिस्ड मैं तुम्हें ट्री हाउस का ऊपर वाला रूम दिखाती हूँ. वेट, इफ यू कैन सी, तो हमें ये सीढ़ियाँ चढ़ के जाना है एंड यहाँ से सबसे पहले मैं तुम्हें व्यू दिखाती हूँ. वेट, ओके, सो देयर इज़ द व्यू ऑफ पैडी फील्ड एंड ये मेरे वाले रूम की विंडोज़. यहाँ से मैंने तुम्हें सुबह व्यू दिखाया था. सामने धमागिरी हिल्स एंड दिस इज़ द रूम. द बेस्ट पार्ट हियर इज दिस बाथटब विद दिस व्यू. जस्ट मेरे सामने इट्स ऑल कॉफी एंड पेपर ट्रीज. That's all for this vlog. I really hope you liked it and enjoyed it. अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, कॉमेंट्स में मुझे बताना तुम्हें कैसा लगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो अब भी जाके करो और बेल नोटिफिकेशंस का ऑप्शन क्लिक करो, बिकॉज अभी केरला सीरीज से और बहुत सारे व्लॉग्स आने वाले हैं. तो या वेट फॉर इट. आज से मेरे नए पाप शुरू होंगे. I'm going to a very special place that you cannot really afford to miss when you are here in Wayanad. Wait for it. हम वहाँ से actually किसी के घर में घुसे and permission लेके guys. और यहाँ पर तुम देख रहे हो, there is this water stream. Oh man. I mean, कितना सही location है ये. I thought of spending some time reading the book, so I came inside the jungle, found my spot under this tree and मौसम is crazy. Let's go. Guys, यहाँ पे ना कॉफ़ी मिलती है सिर्फ ओपन एकदम बाल्टी में.